हेलो जी, मैं हूं दीप। आज हम करेंगे टाई एंड डाई। तो ये मैंने आपको सिखाने के लिए छोटा सा कपड़े का टुकड़ा लिया है। इसको आप अपनी टी शर्ट पे भी कर सकते हैं, दुपट्टा पे भी कर सकते हैं। ये लिया है हमने कपड़ा, इसको हम पानी में गीला करेंगे ऐसे करके, इसको स्क्वीज कर लेंगे। तो ये हो गया जी कपड़ा गीला। किस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है, ये वाली साइड को ऐसे ऊपर रखना है, ठीक है। अब ये जो बंद वाली साइड है इसको ऐसे करके मिलाएंगे, फिर ऐसे करके बनाएंगे, फिर इसको हम ऐसे करके फोल्ड करेंगे, फिर इसको हम ऐसे करके फोल्ड करेंगे। ठीक है, ये खुल ना जाए इसके लिए यहाँ पे हम सिंपल सी रबड़ होती है जो, वो वाली डाल देंगे कि ये खुले ना। ठीक है, यहाँ जरूरत है तो एक रबड़ यहाँ पे भी डाल दो। ओके, अब हम लेंगे एक्रेलिक कलर्स, एक ब्रश, और उस कलर को हम किसी ट्रे में निकाल लीजिए, या जैसे कि मैं ढक्कन में ले रही हूँ। अगर आपने बड़ा सारा कपड़ा करना है तो आप ट्रे में निकाल लीजिए। ऐसे करके मैं कलर लगाऊंगी यहाँ पे, कपड़ा गीला है, ऐसे करके हल्का सा मैंने ब्रश को पानी लगाना है, फिर इसको कलर को यहाँ पे लगा देना है। पूरा प्रॉपर कलर देना है, और थोड़ी सी जगह छोड़ के मैं यहाँ पे भी कलर दूंगी। कोई ये नहीं है कि हमने लाइन लगा के स्केल से उतना उतना जाना चाहिए, नहीं। टाई एंड डाई ऐसे ही अच्छा लगता है। वैसे तो ये कपड़ा गीला है, लेकिन फिर भी हम पानी लगाएंगे। ये नॉर्मल एक्रेलिक कलर है जिससे हम पेंट करते हैं। फैब्रिक कलर भी यूज़ कर सकते हो, एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इस साइड हम लगाएंगे दूसरा कोई भी आपका फेवरेट कलर, लगाइए। मैं लगा रही हूँ दूसरा येलो कलर, लेमन येलो। आप ट्रे में निकालिए, ढक्कन में निकालिए, कहीं भी डाल लीजिए। उसी ब्रश को मैंने कलर लगाया, देखिए यहाँ पे। अच्छी तरह से इसमें कलर डालना है, ठीक है, कोशिश करनी है। हल्का सा हम पानी लगा देंगे ऐसे, पानी पूरा यहाँ पे, और कलर लगाएंगे। बहुत आसान है, एक्रेलिक या फैब्रिक कलर बहुत आसानी से मिल जाते हैं। वो वाले कलर लेने हैं, कोई प्लेन आपने दुपट्टा लेना है, स्टॉल लेना है, और ऐसे करके आपने फोल्ड कर लेना है जैसे मैंने बताया, और ऐसे करके आपने कलर लगा देना है। अब इसको हम खोलेंगे। ये देखिए कितना प्यारा ये टाई एंड डाई हो गया है। अब हम इसको धूप में अच्छी तरह से सुखा लेंगे। सुखाने के बाद इसको प्रेस करेंगे, लेकिन इसको धोएंगे नहीं 3-4 दिन तक। ये कलर पूरी तरह से फिक्स हो जाएगा, इसको यूज कीजिए। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले डिजाइन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।